किसी भी स्वादिष्ट स्टार्टर के बारे में हम सोचते हैं तो पनीर टिक्का का नाम सबसे पहले आता है। पनीर टिक्का उन सभी लोगों को पसंद होता है जो पनीर लवर्स हैं। लेकिन हम पनीर टिक्का को बिना ओवन या तंदूर के घर पर बनाने के बारे में नहीं सोच पाते हैं। आज हम घर पर बिना ओवन या तंदूर के पनीर टिक्का को बनाएंगे। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि बिना ओवन या तंदूर के पनीर टिक्का को घर पर आसानी से कैसे बनाते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए हम एक बॉल लेंगे। बॉल में हम आधा कप दही डालेंगे। ये एकदम गाढ़ा दही है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, जिससे पनीर पे अच्छे से मसाले अब्जॉर्ब हो जाएंगे। बेसन बाइंडिंग का काम करता है, इसलिए हम यूज करेंगे। ये छोटी सी अदरक का टुकड़ा था, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। चुटकी भर हम हल्दी डालेंगे, आधा टीस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, चौथाई टीस्पून हम अजवाइन डालेंगे, चौथाई टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे, आधा टीस्पून हम चाट मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी डालेंगे, 2 चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे और आधा टीस्पून हम नमक डालेंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया था, इसको चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। 1 शिमला मिर्च ली थी, इसको भी चौकोर टुकड़ों में काट ली है। 2 टमाटर लिए थे, इसको भी मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा डालेंगे, हम मिक्स करेंगे। फिर हल्के हाथों से हम पनीर को मिक्स करेंगे, जिससे हमारे पनीर के टुकड़े टूटे नहीं। हमने शिमला मिर्च के भी बीज निकाल दिए हैं, हम बीज यूज नहीं करेंगे। टमाटर के भी मैंने बीज निकाल दिए हैं, बीजों को हम यूज नहीं करेंगे। हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट तक छोड़ देंगे। पनीर हमारा मैरिनेट हो गया है। पनीर को हमने 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब हम पनीर टिक्का बनाएंगे। पनीर टिक्के को हम तवे पे बनाएंगे। आप ओवन या तंदूर में भी बना सकते हैं। अब हम तवा लेंगे, तवे पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा बटर डालेंगे। आप खाली ऑयल भी डाल सकते हैं जो यूज करते हो। अब हम इसमें पनीर के टुकड़ों को लगाएंगे। गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे। पनीर हमारा नीचे से सिक गया, अब हम इसको पलटेंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ से सेक लेंगे। पनीर को हमने चारों ओर से सेक लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसकी तवे पर 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा हम बटर डाल देंगे। अब हम इसमें बची हुई शिमला मिर्च और टमाटर को लगाएंगे। हमने शिमला मिर्च और टमाटर लगा दिए हैं। अब हम ढक्कन लगाकर 1 मिनट तक इनको पकाएंगे। हमें शिमला मिर्च और टमाटर ज्यादा नहीं पकाने हैं, थोड़े से क्रंची ही रखेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। अब हम इनको पलट लेंगे। दोनों तरफ से हम इनको सेक लेंगे। पनीर और टमाटर भी हमारा फ्राई हो गया है। इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर सर्व करेंगे।
अब हम पनीर टिक्का को स्क्यू स्टिक में सर्व करेंगे। पनीर लेंगे, आप अपने मनचाहा के अनुसार लगा सकते हैं। शिमला मिर्च लगाएंगे, एक टमाटर लगाएंगे, पनीर लगाएंगे, फिर शिमला मिर्च लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे और फिर हम पनीर लगाएंगे। इसी तरह से हम पनीर टिक्का तैयार कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। पनीर टिक्का हमारा बनके तैयार है। आप इसको हरे धनिया की चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।